हेलो दोस्तों, मैं सनी भोसले स्वागत करता हूँ आप सबका अभिमन्यु आईएएस के सी सेट के इस नए लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को पूरे जोरों शोरों से आपने शुरू कर दिया होगा, बिकॉज अब समय बचा नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीरियसनेस दिखने चाहिए मुझे भी। ठीक है, व्यूज आपके अच्छे आ रहे हैं, आप अच्छे से सीरियसली ले रहे हैं। मुझे पता है कि अब आपने डेडिकेटली तैयारी शुरू कर दी है, बट उस तैयारी का कोई फायदा नहीं या उस जंग का कोई फायदा नहीं जिसका अंजाम अच्छा ना हो। कहने का मतलब कि आप तैयारी कर तो रहे, बट अगर इसका पॉजिटिव आउटपुट ना निकले तो समय की बर्बादी है भाई, पैसे की बर्बादी है। ठीक है, और आपका 1 साल दांव पे लगा, ये बात मान के चलिए। लास्ट ईयर कितने सारे बच्चों ने पेपर दिया, बट मुट्ठी भर बच्चे सी सेट क्लियर कर पाए। रीजन क्या था इसका? उनको लगा था कि ये पेपर तो ऐसा है कि आउट ऑफ द बॉक्स है। बैच में भी कई बच्चे लेक्चर में भी कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या सर लेवल हाई हो सकते हैं। इवन यार एक मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई एमबीए का एग्जाम थोड़ा देना जो हर बच्चा ये पूछता है कि सर क्या कैट लेवल पढ़ना है, कैट लेवल पढ़ना है। ये भ्रम है, ये सबसे बड़ा झूठ आज मिथक है आज के टाइम का कि एक सीसेट क्वालिफाई करने वाले बच्चे को कैट पढ़ने की जरूरत है। तो भैया फिर एमबीए कीजिए, क्यों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, तो भाई कोई जरूरत नहीं है। कोई मैं बता दूं, अभी भी सुन लो, ध्यान से सुनो, आपको कैट करके क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या करें क्या करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल अपने प्रीवियस ईयर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी आई एस के साथ अभी बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन में घुस गए ना यार, देखो मैं अभी भी कहूंगा 5 से 10% क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा पेपर आउट ऑफ द रेंज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। ध्यान से सोच के चलो, ये हर पेपर, ये हर एग्जाम का लेवल होता है, ये हर एग्जाम का। एग्जामिनर अगर सारे क्वेश्चन अच्छे दे देगा या सारे क्वेश्चन आसान दे देगा, तो फिर जो अच्छा बच्चा पढ़ा उसका नुकसान है। एक बच्चा 2 महीने तैयारी करके सेम मार्क्स ले रहा है, एक बच्चा 8 महीने से लगा हुआ है, चाहे 4 गुना टाइम ज्यादा। तो कुछ सोच के देखो, जो ज्यादा तैयारी कर रहा है उसको तो अच्छा मिलना चाहिए ना भाई। तो यही होता है, एग्जामिनर की थिंकिंग भी यही होती है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं इस एग्जामिनेशन हॉल में या इस पेपर में क्या दे पा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो फिर प्लीज मत करना है काम। ठीक है, चलो, अगर आप तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी शुरू करेंगे? बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें पहले, क्या करें बाद में। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा मेरे पास है सोल्यूशन, वो है अभिमन्यु आईएएस का अर्ली सीसेट बैच। अब इस बैच में क्या है, देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं आपको। कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो 9517771651 इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पे आप क्या नाम अपना कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर नेक्स्ट बात अगर मैं देखूं आपके साथ, देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले टाइमिंग है मेरे पास 3 से 4:30। ठीक है, ये 4 डेज अ वीक बैक है, विच वी 4 डेज अ वीक है, इसका मतलब हफ्ते में 4 दिन कम से कम आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल लेक्चर इसमें आपको 180 प्लस लेक्चर आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 180 लेक्चर मिल रहा है तो पढ़ेंगे कैसे, बताऊं मैं कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, देखो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इन 180 लेक्चर को। देखो जो 90 लेक्चर है ये तो आपको, और ये बैच सबसे पहली बात ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इसका मतलब आपको इसके रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, अगर कोई आपका छूट जाए कभी या कुछ आप ना लगा पाए, किसी कभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ, कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या कहीं आप गए हैं तो आप इसको रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 50 इसमें क्वांट के सेशन है, 25 आपको लॉजिकल के लेक्चर मिलेंगे और 15 आपको इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस ईयर लेक्चर्स आपको 15 प्री लोडेड लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपके 50 प्लस, लाइव मेंटरशिप सेशन आपके 30 प्लस, तो एक टोटल हो गया आपका 180 प्लस। क्लियर? तो और ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम सेशन है जो आपको डेडिकेटेडली बाद वाले मिनिमम इतना है। अब देखो ये बैच बेसिकली मेरे पास 3 से 5 का है। अब कहोगे सर 30 मिनट कहाँ गायब हो गए? देखो अब जो आपको क्लास में, देखो सबसे पहली बात आपको वीकली शेड्यूल पहले पता चलेगा, पोर्टल पे अभिमन्यु का पोर्टल है वहां पे अपडेटेड होता है। नंबर दो, जो भी लाइव लेक्चर होता है या जो भी लेक्चर है उसमें एक क्लास पीडीएफ लगेगी। ठीक है, जैसे आज अगर मेरा लेक्चर है तो उसके पहले 2-3 घंटे पहले या 1 दिन पहले वहां पे आपको क्लास पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। उसके बाद वहां पे रिसोर्सेज होंगे। अब कहोगे सर रिसोर्सेज क्या बोला बेटा, रिसोर्सेज क्या होता है? उस चैप्टर का थ्रेटिकल पार्ट को रिसोर्सेज बोला जाता है। क्लियर है?
चलिए नंबर तीन पे क्या है मेरे पास, क्लास असाइनमेंट पीडीएफ। जो बच्चा ऑफलाइन है उसे प्रिंट आउट मिल जाते हैं, जो ऑनलाइन उसे पीडीएफ रूप में, वहीं पे प्री लोडेड मिल जाती है। अब ये क्लास पीडीएफ ना, जो भी लेक्चर पिछला हुआ है यहां पे डिस्कशन होगा 30 मिनट का, तो आपको साथ में डाउट सेशन भी क्लास के साथ ही मिलना है। क्लियर? तो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ दिस क्लास। तो प्लीज एनरोल कीजिए, कोई डाउट हो, कोई चिंता हो, कोई शक हो, तो 9517761651 इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको वहीं पे मार्गदर्शन करता हूं, मिलूंगा आपका। क्लियर? चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है, देख लेते ना, आज का हमारा टॉपिक बोर्ड टेस्ट। बट इसके पहले वी ऑल्सो है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए। चलिए भाई, बोर्ड टेस्ट टीम का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोर्ड टेस्ट टीम को छोटा सा चैप्टर माना जाता है, बट काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के साथ इंक्लूड किया जाता है इसको बेसिकली। तो क्या दिया है, अ मोटर बोट हूज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ बोट कितनी दी है मुझे, 20 किलोमीटर पर आवर। टेक 30 मिनट मोर टू गो 25 अपस्ट्रीम, देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। देखो इसका मतलब क्या है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया भाई अपने को, हमें दिया है टेक 30 मिनट, यानी 30/60 यानी कितना है, 1/2 आवर होंगे। मैंने 1/2 आवर क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में गिवन है मेरे पास। क्लियर? अब मोटर बोट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, अब देखो जरा, गोस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कवर द सेम डिस्टेंस, इसका मतलब 24 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस 24 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, और ये कितना, 1/2। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसका मतलब मुझे यहां से सबसे पहले स्पीड ऑफ द बोट दी हुई है, स्पीड ऑफ द वाटर निकालना पड़ेगा मुझे। तो देखो ये कितना है, 24। देखो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या होती है, मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर क्या है स्पीड ऑफ द वाटर, तो बेटा अपस्ट्रीम में क्या होता है आपका स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, 20-2 माइनस ऑफ, सॉरी ये तो बढ़ने वाली है, 20-x आएगा अपॉन 24 अपॉन 20+x। अब आप ये बोलोगे सर कि मैंने यहां पे इसको ही पहले क्यों लिया, बेटा देखो जिसका मेरे पास बेस है, मैंने न्यूमिनेटर सबका सेम है, अगर डिनोमिनेटर मेरे पास, डिनोमिनेटर मेरे पास जिसका छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, तो बड़ी में से मैं छोटी को माइनस करूंगा। क्लियर? तो ये कितना होगा, देखो 24 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 20+x माइनस ऑफ 20-x और एलसीएम क्या आ गया 20। देखो ये क्या बना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। ध्यान से छोटी छोटी चीजों को समझ के चलिएगा, अपॉन 20 का स्केयर माइनस ऑफ एक्स का स्केयर इज इक्वल टू कितना, 1/2। देखिए 24 इंटू ऑफ 20+x माइनस ऑफ 20+x अपॉन 400 माइनस ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लेके आया हूं मैं, तो ये कितना हो गया, 2x इंटू 48x इंटू 2 इज इक्वल टू 400 माइनस ऑफ एक्स का स्केयर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो घबराना मत, सिर्फ इक्वेशन बना के करो, 96x इज इक्वल टू 400 माइनस ऑफ एक्स स्केयर। क्लियर? होपफुली मिटाई लिया होगा, सॉरी नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, देखो 96x प्लस एक्स स्केयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्केयर प्लस 96x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस फैक्टर्स बनाइए, 2x माइनस 4x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 100 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया मेरा 4, बिकॉज यहाँ से मैं क्या लिखूंगा भाई, x प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, नेगेटिव, चाहिए नहीं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 4। क्लियर? अब मेरे पास x 4 आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में देखो मुझे क्या बोला जा रहा है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी मेरे पास,
ट्वेंटी प्लस टू यानी कितना 22, और स्पीड ऑफ द वाटर कितनी आ गई मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो, मतलब टाइम ऑफ मुझे निकालना है डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टोटल टाइम टी ले लो। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है, देखो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर यानी 22 प्लस 4 प्लस ऑफ अपस्ट्रीम कितना बेटा 30, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना होता है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू टाइम टी। तो 39/26 प्लस 30/18, तो ये कितना होगा 13/2 26, 13/3 39, 6/5 63, तो 3/2 प्लस 5/3 9 प्लस 10/6 19/6 यानी 3/1/6 यानी 3 घंटे 10 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के लिए भाई लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3.5 आवर। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो भाई डिस्टेंस दिया 56 और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अपने को निकाल लिया, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया 35, को कैसे लिखूंगा मैं 35/10 ले लो, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7/56। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास 16 किलोमीटर पर आवर आ गया। इफ द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड, देखो क्या दिए स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया 3:1 दिया मुझे। क्लियर। इसका मतलब यहां से अगर मैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालूं, पी ले लो इसको भाई, सही रहेंगे है ना। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अभी बताइए मैंने क्या होती है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर यानी कितना आ गया 3p प्लस p यानी कितना 4p, यानी 4p की वैल्यू कितनी दी है मुझे 16, p की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, अगर p की वैल्यू 4 होगी तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी आएगी 12 और वाटर कितनी आएगी 4। अच्छा आप मुझे बोल क्या रहे, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 46.1 डाउनस्ट्रीम। तो इसकी जरूरत ही थी मेरे पास, तो डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू स्पीड ऑफ टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो कितना आ गया 41.6, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आ गया 16 इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास 41.60/16 यानी 32/16 प्लस ऑफ 9.6/16 2.6 आवर। क्लियर है, यूज हो जाता सारा मेरे पास। ठीक है जी, चलिए द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितनी दी है मुझे बच्चों मेरे को 20 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ठीक है जी, इफ वन राउंड में यानी टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया मुझे 16 आवर। क्लियर, मतलब टोटल टाइम दिया है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाने का 16 घंटे। ठीक है, बट स्पीड ऑफ द फ्लो बोट देखो, अब मैं इसे सिंपल पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं पूछ रहा, यानी ये कितना हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 16। आप दो तीन तरीकों से कर सकते हो। देखो इसको डिस्टेंस कितना दिया मुझे 150, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगी, लेट स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द वाटर सॉरी नॉट बोट बोट तो दी हुई है, स्पीड ऑफ द वाटर क्या है मेरे पास पी किलोमीटर पर, तो 20 प्लस पी प्लस 150 अपॉन 20 माइनस पी इज इक्वल टू 16। क्लियर। अब देखो आप दो तीन चीजें कर सकते हो इसमें। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अब सॉल्व करना बंद करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, अब ऑप्शन पुट करना शुरू करो। देखो 150 से कौन कौन से डिजिट कर सकते हैं, अगर पी की वैल्यू में 5 पुट करूं तो कितना है 150 बाय 25 25 150
प्लस 150 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 5 इज 15, 10। तो क्या 10 प्लस 6 16 होता, तो यही आंसर आ गया। आपने अब क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको तसल्ली के लिए सिर्फ, अदरवाइज आपको फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है, करके देखना, तसल्ली कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि कई बार बच्चे मानते नहीं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। देखो ये ऑप्शन में क्या आ गया, 20 स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू 16। तो बेटा ये कितना बचा मेरे पास, 20 माइनस पी प्लस 20 प्लस ऑफ पी, क्लियर, पी से पी कैंसिल, तो ये कितना गया 150 इंटू 40 इज इक्वल टू 16 इंटू 400 माइनस ऑफ पी का स्क्वायर। देखो 8 × 16 × 8 = 40, 75 × 5 = 3, 75 = 400 - P² ये तो आंसर था। बट क्यों इतनी लंबी अननेसेसरी की कैलकुलेशन में जाना जब उसकी जरूरत ही नहीं, खुद सोच के देखो, मैं तो सीधा बता दिया अब आपको। इसीलिए बच्चों को टाइम लगता है, इक्वेशन तो बना लेते हैं बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती कई बार, क्लियर या? ऐसी कोई इक्वेशन बन जाती है जहां पे रूट्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं, तो अवॉइड करो, ये जो पी की वैल्यू यहां से पुट करो, आंसर निकाल लो, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए बच्चों चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ डाउन स्ट्रीम इज 150 मोर देन द अपस्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। देखो 150 का मतलब कितना, पहले समझो, 150/100 यानी 3/2, तो डेफिनेटली अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए भाई, 5, हाँ जी ठीक है, तो 150% मोर दी है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 150%, यानी 2 का 150% कितना हुआ, 3, ठीक है, तो 2 3 होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, चलिए इफ द टाइम टेकन बाय बोट फॉर गोइंग डाउन 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 80 किलोमीटर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 50 किलोमीटर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, कितने घंटे दिए, 82 आवर्स का मतलब कितना, 82/10 यानी कितना, 41/5। अच्छा देखो सिंपल सिनेरियो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, इसका 5 ले लो, 5p और 2p, सिर्फ ये एक फॉर्मूला अगर समझ आ गया ना, पूरा चैप्टर आपके हाथ में बेटा। तो 80/ कितना 5p प्लस 50/2p इज इक्वल टू 41/5, तो ये कितना से कटा 25, और ये कितना कटा 16 प्लस 25 कितना हो गया, 41/p इक्वल टू कितना, 41/5p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितनी आ गई, फिर पी की वैल्यू 5, तो ऑप्शन नंबर सी 25 किलोमीटर बराबर इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, क्लियर, बट एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो एक बार कर लिए तो बढ़िया रहेंगे, क्लियर है। सुनील कैन रो अब 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour 15 minutes, तो भाई स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है मेरे पास, 20/1 + 15/60 यानी 1 + 1/4 यानी 5 × 4 = 4, तो यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, यानी स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है मुझे, 2 km/h, then how much time will it take to row the boat 30 km downstream? तो speed of downstream देखो होती क्या मेरे पास, ये होती है speed of the water plus speed of the boat, ठीक है। Downstream क्या होती है, speed of the boat minus of speed of the water, ये कितनी दी है, 16, तो speed of the boat minus 2 is equal to 16, speed of the boat कितना हो गया, 16 plus 2 is equal to 18 km/h, तो now what the question is asking, ये भैया अपने क्या करना है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो 30 स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है मेरे पास, 18 बोट की और 2 वाटर की,
जो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, जो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है मेरे पास 30/20 यानी कितना आ गया 1/2, क्योंकि 1.5 घंटा आ गया भाई, 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो दीज वर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर बोर्ड साइंस थी। मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल में बता पाऊं, छोटे सोल्यूशन के साथ आपको बता पाऊं। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया फैक्टराइजेशन वाला, बट उसी को मैंने इलेमिनेट करवा दिया अगले कुछ क्वेश्चंस में। तो 5 बेहतरीन क्वेश्चन थे आपके, ये आपके किसके बोट एंड स्टीम से, क्लियर। देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज या माइक्रोबर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोला था। अब व्हाट इज माइक्रो कोर्सेज, जो बच्चे ऑलरेडी लेके एंजॉय कर रहे हैं उन्हें तो पता है। अब जो बच्चा पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है या पिछले कुछ लेक्चर्स में उसने थोड़ा प्रिडिक्ट किया कि मैं इसकी बात करता हूं, तो दोबारा बता देता हूं। माइक्रो कोर्सेज वो है जिसमें क्या होता है, आप पूरा कोर्स ना लेके सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनसे अच्छे से चैप्टर को खरीद सकते हैं। जैसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए सबसे पहले जूस एग्जाम करेंगे, और आपको कांटेक्ट नंबर तो मैंने शुरू में लेक्चर के बताई दिया, तो उसको भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, या इसको लेने में कोई परेशानी तो उस नंबर पर कॉल भी या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन है बेटा, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसे आप ज्वाइन कीजिए, प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो ये है माइक्रोवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, कॉल भी या व्हाट्सएप कीजिए, इजीली बहुत ईजी किया हो बच्चों के लिए, क्योंकि दिक्कत ना हो। देखो जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, जो आपका एप्टीट्यूड का पार्ट है, सारा का सारा एप्टीट्यूड ही, पूरा कोर्स 3369 का है, मतलब भाई नहीं लेना, मैं खुद कह रहा हूँ मतलब, बट जिस चीज की जरूरत है वो तो लीजिए। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम है, ऑलमोस्ट देखो बता भी रखा है 21.88% मिनिमम आ रहा है इसे, मिनिमम 10 लेक्चर है, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास, क्लियर, और सिर्फ 324 रुपए के। अब ये 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक तो आपके भाई प्रीवियस ईयर कवर हो जाते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी बात आती है जब आप 421 क्वेश्चन करोगे, ऑलमोस्ट आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाती है, तो इसको आप इन्हीं 421 क्वेश्चन के 25-30 के बंडल को बना के आप एक तरह से टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट 15% हो गया, हर चैप्टर का हमारे पास तैयार है। डीआई का जैसे डेटा टेबल हो गया, डाटा सफिशियंसी प्रोबेबिलिटी होगी, बोर्डर स्ट्रीम हो गया जो अभी हमने किया है, यहाँ से भी तकरीबन 1% क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, आ जाता है। बोर्डर स्ट्रीम से ऐसा नहीं कि कभी आया नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि करवा देना चाहिए, हम एक एक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी 2646 का पूरा बंडल है। अगर आप सिर्फ पजल टेस्ट करना चाहें तो सिर्फ 245 रुपए, 17 लेक्चर और हर लेक्चर मिनिमम घंटे से वह घंटे से कम का कोई लेक्चर नहीं, क्लियर। रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग डाटा सफिशिएंसी, और हर चैप्टर के साथ परसेंटेज भी लिखे कितना परसेंटेज का आया हुआ है, क्लियर। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट मेरे पास है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और 6 मिनट का ट्रायल है हर टॉपिक के साथ, पसंद है तो लीजिए वरना कोई बात नहीं है। चेक बंडल ऑफर फॉर कंप्लीट 413 रुपए का है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पता सिर्फ आता ही वो है 349 का, 6 लेक्चर है, 968 और 1 वेब नोट्स है, और साथ में वर्ड बिल्डिंग एंड ऑर्डरनम सिर्फ 53 रुपए का। सो आप इंजॉय कीजिए, डरो मत करो, बस याद रखना डरना नहीं है, मुझे करना है। थैंक यू, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।